हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम हम लोग नहीं आने दे रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है कुमार, हालांकि आप लोग मालूम है आप लोग इस समय इस यूट्यूब चैनल पर ही लेक्चर को देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हो तो देखिएगा, कुमार प्रविंजा आप यूट्यूब चैनल में डालिएगा। और आपको करना क्या है, सबसे पहले YouTube पर डालिएगा और इसको सब्सक्राइब करिए, और सब क्लास सेवन्थ के क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, वहाँ पर क्लास सेवन्थ में जाइएगा, वहाँ पर सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा रखे हैं विद क्वेश्चन आंसर। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में PDF फाइल भी क्वेश्चन आंसर की है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों। इसलिए बड़ा मन लगा के मेहनत से पढ़िए और वीडियो को सिक्वेंस से देखिए, तभी जाके आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा और आपको समझ में आ पाएगा। तो धीरे धीरे हमारा लगभग चैप्टर हमने यूट्यूब चैनल पर अपना कंप्लीट कर ही लिया है, कुछ चैप्टर्स रहे हैं जो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसी के क्रम में बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम भी है लाइट। बहुत अच्छा चैप्टर है, क्लास सिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग पहले लाइट वाला चैप्टर का वीडियो देख के आइएगा क्लास सिक्स की प्लेलिस्ट में, तब जाके आपको चैप्टर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 265 ओपन करिए बच्चों, पेज नंबर 265। अब आप मेरी बात समझिए, देखिए चैप्टर मैंने आपको क्लास सिक्स के लेक्चर्स में भी आप लोग देखिए, नहीं देख रखा है तो वहाँ भी मैंने बोल रखा है कि चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आने वाले फ्यूचर के लिए। कैसे बच्चों, क्लास सिक्स में हमने पढ़ लिया, क्लास सिक्स सेवन्थ में दोबारा आ गया, क्लास एट्थ में पढ़ेंगे हम लोग, टेंथ में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में लाइट का चैप्टर हमारे साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें उसको पढ़ना ही पड़ता है। काफ़ी टफ पार्ट भी है, ये ध्यान रखिएगा, इतना आसान भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, हर क्लास को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा बच्चों। एक बात और, तो इंपॉर्टेंट है, क्लास सिक्स के लेक्चर्स को भी आप लोग अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी एक टॉपिक आपका लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन है, चैप्टर नंबर 11 NCERT बुक का, वो भी देख सकते हो। और आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस का NCERT का कवर करते हैं बच्चों। आइए लाइट, एक बार दोबारा हम कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं पुरानी चीज़ों को। लाइट क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सर लाइट, ये जानते हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण ही क्या है? लाइट ही तो है। अगर ये लाइट ना होती, क्या हम ऑब्जेक्ट देख पाते? नहीं ना। तो लाइट ही है इन सब के पीछे एक मेन कारण, लाइट के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों देख पाते हैं। ओके, वी कांट सी थिंग्स टोटल डार्कनेस, बुक में देखिएगा पेज नंबर 265 इंट्रोडक्शन पार्ट, वी कांट सी थिंग्स, हम कभी भी नहीं देख सकते जब टोटल डार्कनेस हो, बिल्कुल अंधेरा हो। व्हेन यू एंटर ए डार्क रूम, आप एक अंधेरे रूम में एंटर करिए, नथिंग कुड बी सीन, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप एक अंधेरे रूम में जाइए, क्या आपको दिखाई देगा? सर कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। बट एज सून एज द इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्विच्ड ऑन और ए कैंडल इज लिट, थिंग्स इन द रूम बिकम विजिबल। लेकिन आप ये रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच ऑन करिए, कोई कैंडल जलाइए, जलती हुई कैंडल ले जाइए, ऑटोमेटिकली रूम आपको विजिबल होने लग जाएगा, रूम में रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देने लग जाएगी बच्चों। द लाइट हेल्प्स अस इन सीइंग थिंग्स अराउंड, ऐसे लाइट हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का एक रूप है। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्ट विद आवर आइज, लाइट के कारण ही हमारी आंखें किसी वस्तु को डिटेक्ट कर पाती है, पहचान पाती है, देख पाती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल बी लर्न, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अबाउट सम ऑफ द बेसिक फिनोमा एसोसिएटेड विद लाइट। तो बच्चों इस चैप्टर में लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाओं के बारे में जानने की बच्चों हम कोशिश करेंगे, समझ गए? तो इसी के क्रम में सबसे पहला टॉपिक है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट,
कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। हालांकि क्लास सिक्स में बार बार बोल रहा हूँ, क्लास सिक्स का लेक्चर देखिएगा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं, अब वो अटेंड करिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो बुक में देखते हैं कि बोल ये रहा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, ये आपसे कह रहा है। क्यों सर? हाँ स्ट्रेट ट्रेवल करता है, आपने क्लास सिक्स में भी अभी बताया। चलो उन्हीं चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हैं। देर ए नंबर ऑफ एवरी डे फिनोमा विच सजेस्ट द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हम कई सारी घटनाएं देखते हैं जिनके आधार पर, जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। फर्स्ट पॉइंट, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्मॉल लेजर टॉर्च यूज पॉइंटर्स एज लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। आप कोई लेजर लाइट जलाइए, लेजर लाइट देखा हो ना, मेले वगैरह में आपको मिल जाते हैं, उसमें जब दबाओगे तो उसकी लाइट आपको सीधी जाती हुई दिखाई देती है, स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ शेडो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी शेडो का बनना ये डिपेंड करता है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट बच्चों, व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए डार्क रूम थ्रू ए वेंटिलेटर वी कैन सी द लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। आपके घरों में वेंटिलेटर, खिड़की वगैरह होगी, रोशनदान वगैरह, देखा होगा सर्दी के दिनों में या सुबह सुबह उसमें से सनलाइट आती है, आपको स्ट्रेट ट्रेवल दिखाई देती होगी, इसमें धूल के कण भी आपको दिखाई देते होंगे, जिसका मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। फोर्थ पॉइंट, बीम्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्शन फ्रॉम द सिनेमा हॉल्स सजेस्ट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सिनेमा हॉल कभी जाइएगा, पिक्चर्स हॉल में आप जाइएगा, प्रोजेक्टर पे होता है क्या है, प्रोजेक्टर को चालू किया जाता है, उससे लाइट रेज सामने स्क्रीन पर जाता है, तो लाइट रेज वहां पर भी चलती हुई आपको दिखाई देती है रेक्टिलिनियर। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, व्हेन द हेडलाइट ऑफ ए कार इज स्विच ऑन द लाइट रे अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कार का हेडलाइट ऑन करिए तो उसकी लाइट भी, अभी आप रात के समय में देखना, हेडलाइट जो व्हीकल फोर व्हीलर होता है उसके हेडलाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई आपको दिखाई देगी, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा बच्चों, पेज नंबर 266, पॉइंट नंबर 6, बीम ऑफ लाइट यूज्ड इन लाइट हाउस इस एयरपोर्ट सजेस्ट द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बीम ऑफ सर्च लाइट ऑफ लाइट हाउस एयरपोर्ट पर भी लाइट हाउस का यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट क्या करती है, रेक्टिलिनियर मोशन सीधी रेखा में जाती है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट सजेस्ट द लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। रात और दिन का बनना भी, बेटा रात होती है दिन होती है, इसका होना भी लाइट के स्ट्रेट लाइन पर ही डिपेंड करता है। इफ दिस वी आर नॉट सो द लाइट वुड हैव कर्व अराउंड द अर्थ एंड देयर वुड हैव बीन सनलाइट ड्यूरिंग नाइट टू। इसीलिए रात के समय नाइट होती है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, तो लाइट ट्रेवल नहीं करती बच्चों उस समय। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने कुछ बताया, एक एक्टिविटी क्या दिखाया गया इसको भी जान लेते हैं। आप एक पाइप लीजिए और अपनी आंखों पर इस तरीके से रखिए, सामने कोई वस्तु रखिए आप, क्या आपको दिखाई देगा? सर दिखाई देगा, लेकिन उस पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिए और सामने कोई वस्तु रखिए, आपको वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? पाइप मोड़ दिया आपने, लाइट सीधी जा रही थी, बीच में रुकावट आ गई, इसीलिए हमें दूसरी और रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई दी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज मैंने कुछ बेसिक चीज़ें, पुरानी कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको आज बताया, तो मन लगा के पढ़िए, लेक्चर्स को आप अच्छे से अटेंड करिए, कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम हो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, लेक्चर जब भी देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।